winning the match today, to be exact. Mm-hmm. But how Pakistan have extremely low chances to qualify, obviously. But for Pakistan to qualify now, India will need to lose against Zimbabwe or Bangladesh. And Pakistan will need to beat South Africa and Bangladesh, and that too by a good margin. By a good margin. खैर ये तो सूरत है. ढूंढना और perfectly उनको शॉटों को वहाँ पे time करना. I think that was something which I haven't seen for बहुत time से खेल रहा है, इसलिए उसकी इतनी consistency, इसलिए वो जल्दी assess कर लेता है. वो काफी सारी फर्स्ट क्लास खेला है, वो काफी सारा आईपीएल खेला है, हमारे काफी सारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है. आईपीएल में था, मैं बात कर रहा हूँ 2012 या 2013 ऑनवर्ड्स, ही वाज विद केकेआर फॉर 2-3 इयर्स, ही प्लेड ऑन एंड ऑफ, ग्लिम्प्स दिखाए इसने तब भी नंबर 7 पे आके, जो वो किसने छक्का एक दो. तो दोस्तों आपने कल भारत साउथ अफ्रीका का मैच देखा, जिसके बाद सोशल मीडिया पे आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि भारत ये मैच जानबूझकर हार रहा है. इवन कुछ इंडियंस भी कह रहे थे और सेलिब्रेट कर रहे थे इंडिया की हार को और पाकिस्तानियों को ट्रोल कर रहे थे. अब पाकिस्तान के बहुत सारे रिएक्शन में भी ये बात हो रही है, बट मुझे ये वसीम अकरम वाला ये जो आप क्लिप देखेंगे थोड़ा सेंसिबल लगा, या ये लोग खुलकर बोल नहीं रहे या सेंसिबल लगा. आप पहले पूरा वीडियो देखिए, वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से बात हो रही है. हालांकि कल की पिच बहुत डिफ़िकल्ट थी, आपने देखा कि औसत जो बाउंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा था. पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल बात. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा. टू द पवेलियन, अ बिग डे ऑफ क्रिकेट वाज सीन, थ्री गेम्स एंड वी वर ऑल काइंड ऑफ एनग्रोस्ड, अस एंड द होल कंट्री, कि बाकी मैचेस का रिजल्ट से भी फर्क पड़ना था आज. सो बिफोर वी स्टार्ट, आई कैन एक्सप्लेन विद साउथ अफ्रीका विनिंग द मैच टुडे टू बी एग्जैक्ट, फॉर हाउ पाकिस्तान हैव एक्सट्रीमली लो चांसेस टू क्वालिफाई ऑब्वियसली. बट फॉर पाकिस्तान टू क्वालिफाई नाउ, इंडिया विल नीड टू लूज अगेंस्ट जिम्बाब्वे और बांग्लादेश, एंड पाकिस्तान विल नीड टू बीट साउथ अफ्रीका एंड बांग्लादेश, एंड दैट टू बाय अ गुड मार्जिन. बाय अ गुड मार्जिन. खैर ये तो सूरत हाल है. एक चीज आज जरूर देंगे, वकार ने आज सुबह जो प्रेडिक्शन दी थी, सिर्फ वकार ही की प्रेडिक्शन सबसे सही आई. मैं सोच रहा था पहले हम अपनी विक्ट्री को एंजॉय करेंगे, पहली दफा दो पॉइंट्स इस टूर्नामेंट में अभी तक हमें आए हैं. हाँ, वो तो एंजॉय करनी चाहिए. आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट, इट्स अ गुड थिंग, वी हैव फाइनली गॉट पॉइंट्स ऑन द टेबल. And it was an exciting game of cricket against Netherlands. Our bowlers were doing really fantastic. But uske upar hum baat karenge Vakar baad mein, because you know we have the packages and everything set up. Sure. And I will bring you back to that game. I know you want to celebrate that, and we will celebrate that. You don't worry about that. Sure. Leave the celebrations to me. You guys have already celebrated. You guys were eating samosas, jalebis. So that was a big celebration. Actually, today we were celebrating cricket. क्योंकि आज हमने दिन का आगाज जो था वो हलवा पूरी से किया था वसीम. You did. No, आपने भी, आपको भी मैंने बिठाया था साथ में, ऐसी बात नहीं है. I had chickpeas. इतना वसीम, that's true though. और उसके बाद ये कि अभी हमने जो है वो समोसे और जलेबियाँ, and of course not to forget the outstanding Haleem that we all had, rather actually just you I did. Had. Yes. He did. Yeah, the whole deg. I had the whole thing, but you were stealing my head. I had one spoon. Okay, anyway. We'll talk about that later. We have more important things to talk about, like the ICC Men's T20 World Cup. And let's talk about... let's start off with that fantastic innings by Surya Kumar Yadav. Misbah, he was just unbelievable today. Amazing inning. Normally, you get to see T20 cricket. A lot of innings दो एक मैचेस में मिली हैं न्यूजीलैंड की तरफ से और फिर साउथ अफ्रीका की तरफ से, बट दिस वाज टोटली डिफरेंट. जो कंडीशंस थी, जो सिचुएशन थी और जिस किस्म की बॉलिंग हो रही थी, लुक एट द शॉट्स, आई मीन हैवंट सीन एन इनिंग लाइक दैट. बड़े अरसे के बाद ऐसा ऐसी डोमिनेटिंग इनिंग इस सिचुएशन में खेलना, और इस पिच पे, इस पिच पे द वे दे वर बॉलिंग, आई मीन ऐसे लग रहा था, जिस पहला मैच भी हमने देखा ऐसे लग रहा था जैसे बैट्समैन अपने आप को बचा रहे हैं, बट वो जिस तरीके से डोमिनेट उन्होंने किया. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे लग रहा था जैसे उसको पहले से पता होता था कि ये बॉल होने लगी और मैं कहाँ मारने जा रहा हूँ इसको. सो आई थिंक बड़े अरसे के बाद मुझे लगता है कि ही इज़ द बेस्ट मिडल ऑर्डर बैट्समैन एट द मोमेंट इन T20 क्रिकेट. 170 के स्ट्राइक रेट पर इस सिचुएशन में ऐसी बॉलिंग के गेंस इस पिच पे रन्स करना बिल्कुल शुएब, यू नो आई मीन इमेजिन कि कितना प्रेशर है. एक तरफ से आपके जितने सुपरस्टार्स हैं वो सारे के सारे आउट हो गए हैं, सारा प्रेशर आपको अब्सॉर्ब करना है, इनिंग्स को रीबिल्ड करना है. इट्स फैंटास्टिक एफर्ट, इट इज़ फैंटास्टिक. और मुझे लगता है कि उसकी जो सक्सेस
इसलिए है और कंसिस्टेंट बेसिस पे है क्योंकि वो अपनी गेम नहीं चेंज करता, स्पेशली आउट भी अगर वो हो जाए एक दो इनिंग्स में तो वो इस वे ऑफ प्लेइंग इज द सेम। एक चीज़ वो ज़रूर करता है, कंडीशंस को असेस करता है और जो लगता है कि इस पिच पे ये वाले शॉट्स लगेंगे वो उसको बहुत अच्छे से याद हैं, उसको अपना गेम प्लान बहुत अच्छे से याद है और वो बॉलर के माइंड के साथ खेलता है। वो बॉलर को देखता है कि अगर मुझे इसने फुल किया तो अगला बॉल ये शॉट करेगा, मुझे अगला बॉल ये आउटसाइड ऑफ स्टंप करेगा या मेरी तरफ करेगा। इसीलिए जो वो शॉट्स खेलता है उसके लिए थोड़ा सा बैट्समैन के दिमाग में होना चाहिए। यहाँ पे मैं एबी डिविलियर्स की एग्जांपल दूंगा, वो भी इसी तरह ही बॉलर के दिमाग के साथ खेलता था कि अब अगर इसने मुझे यॉर्कर किया अब ये मुझे स्लो बाउंसर करेगा, अब ये मुझे आउटसाइड ऑफ स्टंप करेगा। ये हर बैट्समैन नहीं सोचता होगा दिस लेवल, इंटरनेशनल लेवल। देखें वसीम भाई, मुझे ये लगता है कि एक तो आपको क्लैरिटी मिलती है मैनेजमेंट से, आपको जो रोल मिलता है, एक ये होता है कि आपने अपना इंडिविजुअल प्लान बनाना होता है और वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लान होता है आपके खुद की सक्सेस के लिए या कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने के लिए या टीम के अच्छे रिजल्ट्स आने के लिए। तो उसके लिए आप अपना प्लान करते हैं और वो उसकी गेम में हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आती है। उसने ये देखें आउट भी हो रहे थे दूसरी साइड से, कभी कभी स्ट्राइक रोटेशन भी नहीं उसको मिली, उसने देखें कि अपना गेम खेला और उसने ऐसे टारगेट पे ले गया था कि जहाँ पे जिस कंडीशन में खेल रहे थे वहाँ पे टफ जो है वो हो सकता था ऑपोजिशन के लिए और वही हमने देखा। मुझे लगता है कि एक चीज़ और, स्किल लेवल डिफरेंट है, मतलब इतना स्किल आपके पास हो कि आप विदाउट टेकिंग एनी टाइम राइट फ्रॉम द स्टार्ट, सर्कल में तो फिर भी चले आप इस तरह इम्प्रोवाइज करते हैं या आप इस तरीके से शॉटें खेल सकते हैं, लेकिन सर्कल के बाद आके इतने आराम से गैप्स ढूंढना और परफेक्टली उनको शॉटों को वहाँ पे टाइम करना, आई थिंक दैट वाज समथिंग व्हिच आई हैवंट सीन। बहुत टाइम से खेल रहा है इसलिए उसकी इतनी कंसिस्टेंसी, इसीलिए वो जल्दी असेस कर लेता है। वो काफ़ी सारी फर्स्ट क्लास खेला है, वो काफ़ी सारा आईपीएल खेला है, हमारे काफ़ी सारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है। मैं आईपीएल में था, मैं बात कर रहा हूँ 2012 या 2013 ऑनवर्ड्स, ही वाज विद केकेआर फॉर 2-3 इयर्स, ही प्लेड ऑन एंड ऑफ, ग्लिम्स दिखाए इसने तब भी नंबर 7 पे आके, जो वो किसने छिका एक दो किराए ऐसे करके, ऐसे नहीं मिडिल से जो मारता वो किराया तो तब लगा सब लोगों के दे ये दिस गाय समथिंग। बकार, डू यू थिंक इट वाज गुड डिसीजन फॉर इंडिया टू विन द टॉस एंड गो इनटू बैट फर्स्ट? या आई थिंक अगर टॉस की सिर्फ बात की जाए तो पिच पे ऐसा था कि शाम को आसान नहीं था बैटिंग करना, वो क्लियरली शोज के अगर साउथ अफ्रीका की भी आप पहले 10 ओवर निकाल लें तो 10 ओवरों में सिर्फ 40 रन थे, इंडिया को प्रॉबेबली 10-15 रन और चाहिए थे तो ये गेम बड़ा मुश्किल हो जाना था साउथ अफ्रीका के लिए जीतना, क्योंकि बॉल बाउंस बड़ा अच्छा हो रहा था और अर्ली ऑन नया बॉल स्विंग भी, और वो तो स्विंग भी करते हैं जो इंडियन बॉलर्स हैं। सो आई थॉट इट वाज अ वेरी वेरी गुड डिसीजन, येस इट वाज ऑल हैपनिंग, और मैंने पहले भी कहा कि दे आर द डार्क हॉर्सेस बिकॉज दे हैव गॉट ऑल बेसिस कवर्ड, इनकी जो फास्ट बॉलिंग है ना दे आर रियली रियली गुड, और आज उन्होंने जिस तरह कर रहे थे दे वर यू नो विकेट्स हर दूसरे ओवर में गिर रही थी, इंडियन प्लेड रियली वेल, दे वर पॉजिटिव, दे वर कमिंग आफ्टर देम बट दे स्टक टू द टास्क एंड केप्ट ऑन टेकिंग अ विकेट। सो साउथ अफ्रीका आई फील इज द वंडरफुल साइड, बट टॉस वाइज आई थिंक वाज अ गुड डिसीजन। मेजर डिफरेंस जो था इंडियन साइड से, एक बंदे ने 68 रन की इनिंग्स खेली और दूसरी तरफ से दो लोगों ने 50 किया, तो ये जो डिफरेंस था इतने वाले टारगेट में उसने जो है साउथ अफ्रीका। वसीम, थोड़ा साउथ अफ्रीकन बॉलिंग देखते हैं, अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे, ये जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है दे वर इट वाज लुकिंग इम्पॉसिबल टू बैट इन देयर एट वन पॉइंट, इधर चेक करें आपके किसी से भी नहीं खेला जा रहा था। You know, when we talk about bounce on Aussie pitches, that's what we talk about. So, लोगों को शायद पता नहीं लगता, पर्थ की विकेट पर सबसे ज़्यादा बाउंस आता है और बॉल पढ़ के निकलता है, नीचे नहीं बैठता। ये ब्रिलियंट फील्डिंग टू, दे वर ऑलवेज अ वेरी गुड साइड, बट बैक ऑफ अ लेंथ इसने 4 विकेट लिए, नगिनी ने क्या ज़बरदस्त स्पेल किया है, इसने 4 for 29 इन हिज 4 जी, एंड यू नो फील्डिंग साउथ अफ्रीकन्स हैज बीन ऑलवेज द बेस्ट, एंड बाय द वे बेस्ट बॉलिंग एवरेज, बेस्ट बॉलिंग एवरेजेज इन T20 दिस ईयर, नंबर 1 पे है न्यूजीलैंड तो 21.16, देन नंबर 2 साउथ अफ्रीका 21.69 एंड राइटली सो विद दिस बॉलिंग अटैक, देन ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया, देन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया, बट ओके दैट्स वेरी 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 गुड।
बट अगेन आप देखें ये पार्नेल था, पार्नेल वाज आल्सो लुकिंग, फर्स्ट ओवर था और फर्स्ट ओवर मेडन हुआ था एंड इट्स द लेंथ. जी आल्सो वसीम भाई मुझे ये लगता है कि जब आपको पता है कंडीशंस ऐसी हैं तो आपको थोड़ा सा आना चाहिए बॉलर्स पे, ताकि ये है कि आप एक ना एक टोन सेट कर रहे हैं कि यार हमने इस तरह खेलना है, ताकि वो भी थोड़े से बॉलिंग अटैक भी बैकफुट पे जाए. नहीं मेरा नहीं ख्याल कि शुएब आज इस पिच के ऊपर आप किसी तरीके से मिसबा यू बीइंग अ बैट्समैन सूर्य कुमार यादव खेला ना, सूर्य कुमार ही हैज अ डिफरेंट स्किल लेवल ऑल टुगेदर, ही टुक हिज चांसेस, माकम खेला, माकम भी खेला है, सो चढ़ के खेले हैं बॉलरों के ऊपर. आपका ये कहना है कि इन पे यहां पर किया जा सकता था, दैट यू कुड एक्चुअली टेक द ऑफेंसिव, काउंटर अटैक करने की कोशिश की है आफ्टर फर्स्ट ओवर, रोहित शर्मा ने भी किया है, राहुल ने भी किया है, बट दे जस्ट लॉस्ट विकेट्स. और उसके बाद विराट कोहली भी आए हैं, वो भी पॉजिटिव खेल रहे थे, ही गॉट आउट आल्सो. सो मेरे ख्याल में वो इनिशियली जो विकेट्स आपकी जब ऊपर से रहने नहीं हुए, को थोड़ी देर भी कोई बैट्समैन एक खेल जाता लंबा सूर्य कुमार यादव के साथ, तो फिर मेरे ख्याल में 150 तक जाने का चांस था उनका. बट ऑब्वियसली बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई और स्पेशली फील्डिंग and England is 25 runs per average per wicket. So Pakistan is not in top 5. Pakistan is not there in the top 5. Why do you five. Think we are not in there, well, in the 5? Maybe if any excuse or any, I suppose, reason deni pade, maybe we play a lot more of flat deck. Yeah. Flat decks, Dubai, Sharjah, Pakistan mein khelte hain, yahan zara wicket kam milti hai, bajaye ke agar aap aisi pitches pe, South African pitches pe khelo. Maybe that could be the reason. Yeah, lekin wahan pe mostly Wasim bhai zyada 180 wale matches hote hain. Wahan pe to unke zyada averages. Hamare subcontinent mein agar humne dekha, let's फॉर एग्जाम्पल हमने जो एशिया कप खेला उस पर कोई इतने हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हो रहे थे, लेकिन अगर हम ये देखें स्टैट्स तो जहाँ जहाँ पे इनकी क्रिकेट मोस्टली होती है, जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड हमें पता है 200-220 वाले रन्स होते हैं, तो अगर वहाँ पे भी ये स्टैट्स जो हैं ये हैं उन बॉलर्स के, जैसे न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या इंग्लैंड, तो इसका मतलब है कि कुछ थोड़ी बी द वे फॉरवर्ड फॉर रविचंद्रन अश्विन, बिकॉज बड़ी जबरदस्त आज उन्होंने महंगी बॉलिंग की है और खिंचे खिंचे गेंद किए जिसमें उनको छक्के पड़े. व्हाट शुड बी हिज वे फॉरवर्ड? आई थिंक सबसे जो गलती उनसे बड़ी हुई है वो यही कि सामने की बाउंड्रीज छोटी हैं, और जैसे ही मिलर ने रूम दिया अपने आप तो वो बहुत ज़्यादा फुल बॉल किया उन्होंने. बड़ी साइड पर अगर वो कोशिश करते हैं कि उधर को मारें, जैसे मार्करम को पहले उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद किया तो कैच भी निकला. आई थिंक दैट वाज फ्रॉम सच एन एक्सपीरियंस बॉलर, इस किस्म की गलती उस टाइम पे जब आपको नज़र आ रहा है कि अब तो इनके पास चांस ही है, वो अटैक करेंगे, दैट ओवर बेसिकली. बल्कि वहाँ तक तो खैर गेम ऑलमोस्ट ख़त्म थी, बट स्टिल आई थिंक ओवर अगर अच्छा हो जाता तो कोई चांस था. वे फॉरवर्ड आई थिंक हर रोज़ तो अब यहाँ पे मैच नहीं है, ऑब्वियसली कंडीशंस डिफरेंट है. जैसे ही अब यहाँ से पल्स से निकलेगा इंडिया तो ही इज एन एक्सपीरियंस बॉलर और मुझे लगता है कि बेहतर बॉलिंग करेंगे डिफरेंट वेन्यूज पे. सॉरी वसीम वकार, यू बोथ वांटेड टू इंटरजेक्ट जब मिसबा वे फॉरवर्ड बता रहे थे. मैंने सिर्फ पूछना ये था कि आर वी डन विद पर्थ और वी स्टिल गॉट मोर गेम्स इन पर्थ. आई थिंक पाकिस्तान इज डन विद पर्थ. आई थिंक I don't know about the rest of the schedule. Yeah, I think main Mispa se ye puchna cha raha tha. Abhi we watching the game together. Jab wo aaya Ashwin karne 18th over karne aaya, so we all said ki ye hona chahiye ki nahi hona chahiye. Aur I think jo hamare viewers hain, jo cricket lovers hain, unhone bhi ye bhi socha hoga ki mere khayal mein wo risk banta tha. I don't know what do you guys think us stage pe, because agar wo second over second last and last karate tab tak usse pehle match khatam hi ho jata. Wasim bhai wohi situation thi jaise Nawaz ka over aakhri humne rakha tha na, to wo end pe aage pe agar aakhri over mein agar 15-16 bhi ho to spinner ke liye bada mushkil ho jata, especially jo Mispa ka. तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म. इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से वसीम अकरम रिएक्ट कर रहे थे और बाकी सारे मिसबाह उल हक, शोएब मलिक और वकार यूनिस रिएक्ट कर रहे थे. कल का मैच आपने देखा, इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की. बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने बहुत गलत किया, टॉस जीतकर पहले बैटिंग नहीं करना चाहिए. मैंने सोचा बहुत सही किया इंडिया ने. आपको याद होगा 2016 का वर्ल्ड कप, इंडिया लगातार पहले वो चेस कर रही थी. सेमीफाइनल में हुआ क्या, इंडिया वेस्ट इंडीज़ का सेमीफाइनल, इंडिया ने 190 रन बनाए,
वेस्ट इंडीज़ ने वो टारगेट चेज कर लिया। तो पहले बैटिंग करते हैं तो हमारी जो बॉलिंग है उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा डिसीजन था क्योंकि इंडिया के अभी आगे दो इजी मैच है और वो इजी मैच इंडिया जीतेगा, ये भी कंफर्म है। ज़्यादा लोग टेंशन ना लें, वो इजी मैच इंडिया जीतेगा बड़े आराम से। तो ये अच्छा था टेस्ट करने का क्योंकि सेमीफाइनल या फाइनल में हमें एकदम से पहले बैटिंग का मौका मिले और फिर बाद में हमारे बॉलर पर बड़े मैच में प्रेशर पड़े, उससे अच्छा यही ठीक था कि पहले इंडिया को बैटिंग करनी चाहिए थी। अब बात यह है कि पाकिस्तान के फैंस ऐसा सवाल उठा रहे हैं, उसकी वजह यही है क्लियर कट, अगर इंडिया ये मैच इजी जीतता तो पाकिस्तान के पास सिंपल सा इक्वेशन था, साउथ अफ्रीका को हराओ, बांग्लादेश को हराओ और सीधा क्वालिफाई करो सेमीफाइनल के लिए। बट अब इक्वेशन पूरी तरह से चेंज हो गए हैं, अब इक्वेशन ऐसे हैं कि सभी टीम के लिए खुले हैं नीदरलैंड को छोड़कर। अब इंडिया अपने बचे हुए दो मैच जीतेगा, इंडिया के हो जाएंगे 8 पॉइंट, इंडिया सीधा क्वालिफाई करेगा सेमीफाइनल के लिए। साउथ अफ्रीका के बचे हुए हैं मैच 2 नीदरलैंड के साथ, पाकिस्तान के साथ। नीदरलैंड के साथ तो अब जीता हुआ माने, तो पाकिस्तान के साथ अभी देखें कौन जीतता है। तो साउथ अफ्रीका के होंगे कितने पॉइंट, साउथ अफ्रीका की नीदरलैंड का जीता हुआ मैच मानते हैं तो वो होंगे 7 पॉइंट, तो वो भी क्वालिफाई समझो आप। पाकिस्तान से जीत गए तो 9, तो फिर साउथ अफ्रीका 1 हो जाएगा, इंडिया 2 हो जाएगा। अगर इंडिया अपने बचे हुए मैच में से दोनों हारता है या एक भी हारता है तो फिर थोड़ा सा, एक हारेगा तो नेट रन रेट पे मामला फंसेगा, दोनों हारेगा तो इंडिया बाहर हो जाएगा। तो दोनों मैच इंडिया हारने वाला है नहीं, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश से मैच है और दोनों मैच में बारिश भी होती है तो भी हमें दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम 6 पॉइंट तो वहाँ पे पहुँच जाएंगे, रन रेट हमारा काफ़ी बेहतर है और एक मैच है हमारा बांग्लादेश से, एक मैच है जिम्बाब्वे से। तो सीधी सी बात है पाकिस्तान को अगर मैच जीतने भी हैं तो बड़े मार्जिन से जीतने पड़ेंगे और बांग्लादेश के दोनों मैच फंस रहे हैं बड़े, एक इंडिया से एक पाकिस्तान से, तो बांग्लादेश के भी चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। अगर बांग्लादेश अपने दोनों मैच जीतता है तो वो भी सेमीफाइनल के लिए जाएगा और जिम्बाब्वे के भी मैच फंस रहे हैं, एक इंडिया से फंस रहा है और एक फंस रहा है शायद उनका एक मैच अब नीदरलैंड से फंस रहा है। तो जिम्बाब्वे के अभी 3 पॉइंट है और जिम्बाब्वे भी 5 पॉइंट तक जा सकता है क्योंकि नीदरलैंड से तो स्ट्रॉन्ग टीम है जिम्बाब्वे। तो सीधी सी बात है अगर आप देखें ये वर्ल्ड कप का ये जो ग्रुप है काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है। अभी भी ऐसा सीन है कि पाकिस्तान अगर साउथ अफ्रीका को हरा देता है बड़े मार्जिन से और भारत अपना अगर एक मैच हारता है तो फिर पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा, लेकिन अब देखते हैं होता क्या है। आपको क्या लगता है प्लीज़ कॉमेंट